नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो हिंदुस्तान की सियासत से एक बड़ा नेता चला गया। दक्षिण भारत की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता नहीं रही। आधी रात को जयललिता का निधन हो गया। 68 बरस की अम्मा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और आपको बता दें कि अम्मा को आखिरी विदाई देने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर में वो चेन्नई पहुंच जाएंगे। चेन्नई पहुंचकर वो जयललिता को श्रद्धांजलि देंगे। आज शाम 4:30 बजे जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि बीती रात 11:30 बजे जयललिता ने अंतिम सांस ली थी। पीएम मोदी ने जयललिता के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि सेल्वी जयललिता के निधन से गहरा धक्का लगा है और उनके निधन से भारत की राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। लोगों से उनका जुड़ाव, गरीबों और हाशिए पर मौजूद लोगों के कल्याण को लेकर उनकी चिंता हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। तो पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर है। तमिलनाडु में समर्थकों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोते बिलखते समर्थक सड़कों पर निकल पड़े हैं। तो आपको बता दें कि ये चेन्नई से सीधे तस्वीरें आ रही हैं। रोते बिलखते समर्थक अम्मा के अंतिम दर्शन के लिए राजाजी पार्क पहुंच रहे हैं और अपनी अम्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अम्मा से तमिलनाडु का प्यार या लगाव जग जाहिर है। तभी तो अम्मा को उनके समर्थक भगवान मानते थे। तो आप देख सकते हैं अम्मा का पार्थिव शरीर राजाजी पार्क पहुंच चुका है। जो उनके समर्थक हैं बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही AIADMK के MP MLAs सभी वहां पर मौजूद हैं। पूरे देश में शोक की लहर है। और आपको बता दें कि अब पन्नीर सेल्वम जयललिता के जो करीबी माने जाते हैं और रात करीब 1 बजे उन्होंने AIADMK की कमान के साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली है। ।1948 में जन्मी जयललिता ने फिल्म जगत से लेकर राजनीति में अपना परचम लहराया। जे जयललिता के निधन के साथ ही साथ एक युग का अंत हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरे चेन्नई में बंद है, सारी दुकानें बंद हैं, सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। शोक की लहर है पूरे तमिलनाडु में और अम्मा के अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए समर्थक बड़ी तादाद में राजाजी पार्क पहुंच रहे हैं। ये बंद का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरी दुकानों में शटर है और एक तरह से सभी स्कूल कॉलेज और जितनी भी परीक्षाएं थी सब निरस्त कर दी गई हैं। तो एक तरह से पूरा तमिलनाडु बंद है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भी चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं और पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर है। आपको बता दें कि 1991 में उन्हें
समर्थकों ने अम्मा का दर्जा दिया था। तो तमिलनाडु की सीएम जे जयललिता नहीं रही, आज शाम 4:30 बजे जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए चेन्नई के राजाजी हॉल में रखा गया है। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी और राहुल गांधी, तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। वहीं पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर है, कई जगह समर्थक बेकाबू भी हो गए हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा तमिलनाडु अम्मा के निधन के बाद शोक की लहर में डूब चुका है। आज स्कूल कॉलेज सभी बंद है, बाजार भी पूरी तरह बंद है। एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। तो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का बीती रात निधन हो गया है और रात 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। हम आपको बता दें कि ताज़ा जानकारी बताते हैं, जयललिता के पार्थिव शरीर को अभी चेन्नई के राजाजी पार्क में रखा गया है और पीएम मोदी जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो चेन्नई पहुंच जाएंगे। आज शाम 4:30 बजे चेन्नई के मरीना बीच पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और तमिलनाडु में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और 3 दिन स्कूल कॉलेज सभी बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने 1 दिन के शोक की घोषणा की है और आपको बता दें कि झंडा अब आधा झुका रहेगा और केंद्र की ओर से वेंकैया नायडू और पी राधा कृष्णन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अम्मा के निधन पर पूरे देश में शोक जताया गया है और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सेल्वी जयललिता से के निधन से गहरा धक्का लगा है, उनके निधन से भारत की राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जयललिता समाज के कमज़ोर तबके के लोगों के लिए दमदार आवाज़ थी। सोनिया गांधी ने कहा है कि जयललिता जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वहीं अमिताभ बच्चन ने कहा है कि एक सशक्त महिला के निधन से काफ़ी दुख हुआ है उन्हें। और जयललिता के निधन के बाद सियासी गलियारों में भी हर कोई स्तब्ध है। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू समेत सभी पार्टी के नेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है और तमिलनाडु की राजनीति के लिए इसे बड़ा झटका मान रहे हैं। आज जयललिता जी हमारे बीच में नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम इस शोक को आज देश के सामने व्यक्त करते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस शोक को व्यक्त किया है। और देखिए, एक साधारण सी महिला के इस प्रकार से अपने मेहनत के कारण, अपने आदर्शों के कारण इतने ऊपर तक राजनीति में आ सकती है और तमिलनाडु के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अपने आप में अद्भुत था। उनके आत्मा को शांति मिले और जिस प्रकार का एक वॉइड, एक खाली स्थान, एक रिक्त स्थान जयललिता छोड़ के गई हैं, वो कभी भी भरा नहीं जा सकता है। और ये बहुत ही दुखद विषय है, हम सब के दिलों में आज एक बहुत कष्ट का दिन है ये हमारे लिए। तकदीर देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी। शायद लोगों को, लोग उनको यही देख के सोचते हैं कि शी वॉज वेरी टफ और बहुत डिसिप्लिन से सब कुछ चलाती थी, मगर लोग जानते नहीं हैं कि उनकी अपनी बहुत सारी एक सॉफ्ट साइड भी है। मगर जिंदगी और एक्सपीरियंस उनको वो साइड को छिपाने का सिखा दे। आज इस दुखद घटना से स्तब्ध है सुश्री जे जयललिता जी। एक ऐसी नेता थी जिन्होंने जीवन राजनीतिक और व्यक्तिगत अपनी शर्तों पर जिया, जिन्होंने अनेकों राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया
और हमेशा उन पर विजय पाई। तमिलनाडु के लोग, देश के लोग हमेशा उन्हें प्यार से अम्मा के तौर पर जानते हैं। उनमें एक माँ का चेहरा भी था, एक बहन का भी और एक राजनेता का भी, जो अपने आप में विशेष था। जयललिता जी को हमेशा एक ऐसी नेता के तौर पर जाना जाएगा इस देश में, जिन्होंने हमेशा चुनौतियों का सामना किया और हमेशा चुनौतियों पर विजय पाई। उनके ना रहने से तमिलनाडु की राजनीति में अजीब किस्म की शून्यता आ गई है। आने वाला समय बहुत जोखिम भरा होगा अन्ना डीएमके के लिए। तो वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने भी ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने कहा कि एक युग का अंत हुआ है, जयललिता के निधन पर पूरा भारत शोक में है। ओम शांति, उन्होंने तमिलनाडु की जनता की सेवा की और तमिलनाडु का मतलब अम्मा है और अम्मा के मायने तमिलनाडु है।